इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग की सैलरी के बारे में। बहुत सारे बच्चे इवन चाहे वो एडमिशन ले चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंसेस के लिए या आगे देंगे, उनके मन में क्वेश्चन होता है कि दी क्या ये सेफ स्कोप है या नहीं है, इसमें क्या सैलरी है या क्या नहीं है। कल ही मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया था कि दी मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बीएससी नर्सिंग करी है, अब उनकी जो सैलरी है वो 9000 है, तो क्या इतना कम स्कोप है तो फिर हमें करने का कोई बेनिफिट है या नहीं है। तो देखो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप बात करो प्राइवेट में भी, तो प्राइवेट में बीएससी नर्सिंग की जो सैलरी स्टार्टिंग रेंज होती है वो आपकी मिनिमम 12000 होती है, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में लग रहे हो, जैसे मेदांता के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रेंज होती है वो 18000 होती है प्राइवेट में। अगर हम बात करें अब किसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट में भी अब आपके सेंट्रल आएंगे और आपके स्टेट के आते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आपकी जो सैलरी होती है वो 60 अराउंड होती है, ठीक है, 60000 अराउंड होती है। लेकिन सेंट्रल की बात करें, जैसे एम्स हो गया आपका, पीजीआईज वगैरह हो गए, इनमें आपकी जो सैलरी होती है नर्सिंग के लिए वो आपकी 80-90000 होती है। तो देखो गवर्नमेंट में तो ऑब्वियसली आपको कहीं भी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आपको करना है नहीं करना, इवन शिफ्ट भी इतनी ज़्यादा देर की नहीं होती है, 8 आवर की आपकी शिफ्ट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अब्रॉड के यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, तो डेफिनेटली अब्रॉड में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बीएससी नर्सिंग करके अब्रॉड जा रहे हैं तो वो आपकी सैलरी 10-20 लाख आपकी पर ईयर हो सकती है, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है वो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि दी यहाँ पे जो शिफ्ट्स होती हैं वो कब से कब तक होती है। तो 8 आवर की शिफ्ट होती है, दिन में 3 शिफ्ट होती है, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट। तो तीनों शिफ्ट में से, अब ऐसा नहीं है कि आपको पूरे आपके जो जॉब के टाइम पे पूरे टाइम पे आपको इवनिंग की मिलेगी, वो आपकी अल्टर होती है, ठीक है। नाइट की भी मिल सकती है, मतलब कभी ऐसा होगा कि नाइट की मिल गई, कभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा, अगर आपको पहली बार नाइट की मिली तो आपको नाइट की ही मिलेगी। जैसे ना जो हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट के बारे में बात करो, आप फ्रेशर्स निकलते हो तो उसमें ना नाइट शिफ्ट की आपका बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि नाइट शिफ्ट की आपकी बहुत जल्दी जॉब लग जाती है, क्योंकि नाइट शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा ईजिली नहीं करते हैं सब लोग, ठीक है, एग्री। तो वो वेरी करता है, ठीक है। एंड आई होप इस सैलरी वाला चक्कर आपका हट गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सैलरी डेफिनेटली इसमें अच्छी है अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।